बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी फ्राइज़। तो इसके लिए मैंने दो आलू लिए हैं, तो इसको मैं आप कट कर लूँ। इस वीडियो में ये मैं आपको वाजे करूँगा कौन सी हम ऐसी चीज़ इस्तेमाल करते हैं बेसन के अंदर के हमारे पकौड़े या फिर हमारे स्नैक्स जो हैं वो क्रिस्पी बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आलुओं को मैं काट लूँगी, चलिए अब इसको मैं कट कर लूँगी गुलाई में। ये आलू को काट के मैंने पानी में भिगो दिया, इसलिए कि आलूओं का कलर चेंज ना हो। आलू को मैंने स्लाइसेस में इस तरह से काट लिया है। अभी दरमियाने साइज़ के आलू लें, बहुत बड़े ना लें। अगर बड़े लेंगे तो बड़े स्लाइस वो अच्छे नहीं लगते। बैटर तैयार करते हैं। बेसन जाएगा तकरीबन आधा कप। इसको क्रिस्पी क्रंची करने के लिए हम कौन सी चीज़ इस्तेमाल करेंगे? हम इसके अंदर चावल का आटा इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करें। तो इसके अंदर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के डालें, और बेसन में अगर थोड़ा सा चावल का आटा या फिर कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी पकौड़े बनते हैं। अब इसमें डालते हैं अपने बेसिक मसाले। नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, रेड चिल्ली पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, इसके अंदर थोड़ी सी अजवाइन जाएगी, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका हम मिक्सचर तैयार कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को देख के लाइक शेयर ज़रूर किया करें और वीडियो को शुरू से एंड तक देखा करें ताकि आपको रेसिपी की सारी समझ आ सके। हम इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, वीडियो बनाते हैं और आप वीडियो को स्किप कर जाते हैं, पूरी वीडियो भी वॉच नहीं करते। आप वीडियो को वॉच किया करें, यह आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, हमारी हौसला अफजाई होती है। फिर हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आपके लिए आएँगे। ये हमारा बैटर रेडी हो गया है। जब तक हमारा घी गर्म हो रहा है, मैं एक और टिप आपको बता दूं। ये आलूओं से मैंने पानी निकाल दिया है। अब इन आलूओं के अंदर मैं खुश्क कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा स्प्रेड करूंगी। इसके अंदर उनके ऊपर जो लगा होता है कॉर्नफ्लोर, इसकी वजह से वो बैटर चिपक जाता है और बैटर उतरता नहीं है। आलू को इस बैटर में इस तरह से हम डिप करेंगे। अब इसकी कोटिंग कहीं भी नहीं जाएगी, बिल्कुल भी नहीं उतरेगी, ये बिल्कुल चिपक जाएगी इसके साथ। इस तरह हम इसके अंदर एक एक करके सारे आलू इसके अंदर डाल देंगे। तो चलिए मिलते हैं फ्राई करने के बाद। लंच बॉक्स के लिए बेस्ट है और शाम की चाय के साथ भी ये बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक्स हैं। आप ज़रूर मुझे इजाज़त दें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।